अगर आप नोएडा में रहते हैं और आपको कुत्ता पालने का शौक है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अब पेट डॉग्स किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी। दरअसल कुत्तों से होने वाले खतरे के बढ़ते मामलों के बीच नोएडा अथॉरिटी ने पालतू जानवरों को लेकर एक नीति बनाई है। नोएडा अथॉरिटी के नए दिशा निर्देशों के मुताबिक पालतू पशु मालिकों को अगले साल 31 जनवरी तक अपने कुत्तों या बिल्लियों का पंजीकरण कराना होगा या उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके अलावा पालतू कुत्तों या बिल्लियों के कारण होने वाली किसी भी दुर्घटना के मामले में 10,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। नोएडा अथॉरिटी की CEO ऋतु महेश्वरी ने एक ट्वीट में कहा, नोएडा प्राधिकरण की 207वीं बोर्ड बैठक में आवारा और पालतू कुत्तों बिल्लियों के लिए नीति निर्माण के संबंध में निर्णय लिया गया है। नोएडा क्षेत्र के लिए भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए प्राधिकरण द्वारा नीति तय की गई है। नोएडा प्राधिकरण की नई नीति के तहत 31 जनवरी 2023 तक पालतू कुत्तों या बिल्लियों का पंजीकरण अनिवार्य है। पंजीकरण नहीं कराने पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा पालतू कुत्तों की नसबंदी या एंटी रेबीज टीकाकरण भी अनिवार्य कर दिया गया है, जबकि उल्लंघन करने पर हर महीने 2,000 रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। साथ ही नए दिशा निर्देशों के मुताबिक अगर पालतू कुत्ते को सार्वजनिक स्थान पर रखा जाता है तो उसे साफ करने की जिम्मेदारी पशु मालिक की होगी। नोएडा क्षेत्र में कुत्ते के काटने की कई शिकायतों और रिपोर्टों के बाद ये फैसला लिया गया है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज की खबर और पल पल की अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है आज की खबर। खबर जहां हम वहां।